नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही राजधानी पटना से, जहां पर गृह विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है लॉकडाउन 3 को लेकर के। दरअसल लॉकडाउन 3.0 जो है उसको लेकर के नई गाइडलाइन केंद्र की तरफ से जारी की गई थी। उसके बाद बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब कोई भी ग्रीन जोन नहीं है, यानी कि बिहार में जो 3 क्राइटेरिया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर के, बिहार में ग्रीन जोन को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया था कि अभी भी रिस्क है कि उन जिलों में संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि ग्रीन जोन का मतलब ये था कि वहां पर लगभग समान जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में उन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए गृह विभाग ने ग्रीन जोन को हटा करके 2 जोन जारी किए हैं। और ये आप यहाँ पर आदेश की नई कॉपी देख रहे हैं। गृह विभाग की तरफ से आदेश किया गया, उसमें लिखा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 43/2020 डीएम, और उसके बाद इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है कि हेतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में नए आदेश निर्गत किए गए हैं। बिहार सरकार बिहार राज्य के नए नए क्षेत्रों में कोरोना वायरस में हो रहे लगातार प्रसार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन जो लोग आने वाले हैं उनकी स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि बिहार में लॉकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया जाए। उसके आगे ये अंग्रेजी में कुछ चीजें, उस पर हम आएंगे बाद में। नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। लिखा गया है, उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य में कोविड-19 वायरस के प्रसार की को रोकने हेतु निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं। अब आदेश क्या कुछ है, संपूर्ण बिहार राज्य में 2 ही प्रकार के जोन होंगे, यानी कि 2 ही 3 जोन अभी तक कोरोना को लेकर के हर राज्य में होता है, लेकिन अब बिहार में सिर्फ 2 जोन होगा। पहला रेड जोन, जो कि सबसे खतरनाक जोन होता है, जो भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत समय समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे, तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले जो ऑरेंज जोन माने जाएंगे। तो बिहार में 5 जिले हैं जो कि रेड जोन में इस वक्त हैं, यानी कि कुल 33 जिले जो हैं वो ऑरेंज जोन में होंगे। ये इस आदेश में कहने की कोशिश हुई है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, जो खंड ख है उसमें लिखा गया है कि रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत लागू रहेंगे, यानी कि कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। कल से जो लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है उसमें कोई भी राहत बिहार के इन 5 जिलों में नहीं होगी जो कि रेड जोन है, जिसमें पटना, मुंगेर, भागलपुर, सिवान, ये जो जिले शामिल हैं। रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत लागू रहेंगे, परंतु भारत सरकार की गाइडलाइन की खंडिका 7.2.D के तहत दुकानें खोलने का जो आदेश है वह केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने हेतु अनुमान्य होगा, यानी कि सिर्फ किराना और दवाओं की ही दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं से विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी अपने जिले की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर से निर्णय के लिए को लेकर के आदेश निर्गत करेंगे, यानी कि जिले के जिलाधिकारी जो हैं, अगर उनको लगता है कि कोई नई दुकानें खुल सकती हैं, मसलन कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी शॉप्स, सलून, स्पा, तो उन तमाम चीज़ों के लिए जिलाधिकारी अपने स्तर पर इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। हालांकि रेड जोन में इस तरह की चीज़ों को के खोलने की कोई इजाजत नहीं है। खंड ग जो है, यानी कि जो ये बड़ा आदेश बिहार सरकार का हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया कि राज्य के ऑरेंज जोन अर्थात रेड जोन से विभिन्न सभी शेष क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अनुमान निम्नलिखित गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसमें है सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स सेवा शुरू होंगी, सभी प्रकार के निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं, सभी प्रकार के उद्योग का संचालन हो सकता है, बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून जो है वो चल सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, यानी कि इसमें 33 से 50% के तक ही लोग रह सकते हैं, ये कहने की कोशिश हुई है। उसके बाद लिखा गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त ऑरेंज जोन के लिए भी वही आदेश रहेगा जो रेड जोन के लिए है, यानी कि रेड जोन के लिए और जो पहले से भारत सरकार की गाइडलाइन है वही चीजें रहेंगी, यह कहने की कोशिश इसमें हुई है। उसके बाद देखिए यहां पर उपरोक्त के कंडिका क ख एवं ग के साथ गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40 जो कि 1 मई 2020 की सभी कंडिकाओं संपूर्ण राज्य में यथावत लागू रहेंगी, ये इसमें कहा गया है। निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त जो शर्त हैं
उन शर्तों के साथ गृह मंत्रालय के आदेश संख्या इतना 1 मई को इच्छा प्रतियोगी कड़ाई से लागू किया जाए, ये अमित सुभानी का पत्र है और ये प्रेषित किया गया है। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं और इस वाले कॉलम में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो फिगर्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रभावी होंगी। बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है ये संजय कुमार जो कि प्रधान सचिव हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग के, उनके तरफ से ये एक पेज है और यहाँ पर देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। रेड जोन और ग्रीन जोन अब हट गया है, उसके बाद ऑरेंज और रेड जोन की हम बस बात करेंगे, सिर्फ और रेड, ये रेड जोन है और नीचे आप देख रहे हैं ये ऑरेंज जोन की बातें हैं। तो रेड जोन में है आपातकालीन चिकित्सा सेवा और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए लोगों की आवाजाही के अलावा सभी गतिविधियां बंद रहेंगी, ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी, यानी कि पटना समेत जो बिहार की 5 रेड जोन है वहां पर कोई अस्पताल नहीं चलेगा, कोई ओपीडी सेवा नहीं चलेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी वहां पर, और साथ ही इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो गाड़ियां हैं उसके अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी, ये कहने की कोशिश हुई है इसमें। उसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के कुछ आदेश, जैसे पटना में कंटेनमेंट जोन है खासपुरा का इलाका 2 किलोमीटर का, उस इलाके के अलग के लिए बात करें तो रिक्शा टैक्सी और कैब का परिचालन, नाई की दुकानें स्पा और सलून जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी ये चीजें बंद रहेंगी और सभी गतिविधियां जो देश भर में निषिद्ध हैं वो भी यहां पे लागू रहेंगी। अब ग्रीन जोन वाले पार्ट को हटा दीजिए, बिहार में अब इस पूरे कॉलम को गायब कर दिया गया है। अब ऑरेंज जोन वाले पार्ट में थोड़ा सा नीचे आपको हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं, तो ये ऑरेंज जोन है। अब ऑरेंज जोन में क्या चीजें रहेंगी जो चलेंगी, उसमें देखिए लिखे 2 जिलों के बीच और 1 जिले के भीतर बसों की आवाजाही, हालांकि ये प्रतिबंधित है इसमें देखिए ऑरेंज जोन में भी, यानी कि बिहार में कोई भी बस नहीं चलने वाली है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलने वाला है, कोई भी ओला उबर जैसी जो टैक्सी सेवाएं वो भी नहीं चलने वाली हैं। जो गतिविधियां जिस पर अनुमति होगी ऑरेंज जोन में, उसमें रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति सभी गतिविधियां, यानी कि सलून स्पा ये तमाम चीज़ें वहां पर चलाई जा सकती हैं, सभी टैक्सी और कैब इंटीग्रेटर्स केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ, यानी कि ऑरेंज जोन में जो कंटेनमेंट जोन के अलावा की जो इलाके हैं वहां पर 1 गाड़ी में 2 लोग ड्राइवर के साथ कुल 3 लोगों के सफर की अनुमति होगी। केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए हर जिले से दूसरे जिले के लोग और वाहनों की आवाजाही जो है वो ही हो पाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति जो है वो होगी इन जिलों में। तो ये बड़ी खबर है जो कि न्यूज़ फाउंडेशन अभी आपके सामने ब्रेक कर रहा है। खबर ये कि स्वास्थ्य विभाग जो है जिस तरीके से आंकड़े जारी कर रहा है के बाद एक नए आंकड़े आ रहे हैं और उसके बाद अब जिस तरीके से गृह विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया बिहार को लेकर के, उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है बिहार में ग्रीन जोन पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन है, बाकी के 33 जिले बिहार के जो है वो ऑरेंज जोन है और वहां पर भी जो ऑरेंज जोन के लिए जो दिशा निर्देश जो भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वही मान्य होंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।